तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल ते की हाल चाल दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए हाउस फ्लिपर की एक और जबरदस्ती वीडियो लेकर। हम हैं अपने स्विट्जरलैंड वाले घर में बाय द वे, और यहाँ पर मैं एक बार फिर से आप लोगों को हमारे घर का एक टूर करा देता हूँ। यहाँ पर हमारा किचन, हमारा डाइनिंग एरिया, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं यार कि ये डाइनिंग है, मैं बताता हूँ तुमको बाद में डाइनिंग एरिया के बारे में क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं। और उसके अलावा गाइज ये वाला है हमारा लिविंग एरिया जो कि काफी खूबसूरत है, काफी मेरे को ये वाला एरिया काफी अच्छा लगता है, टीवी वगैरह लगा हुआ है। तो अभी हम आते हैं अपने डाइनिंग एरिया की तरफ, और यहाँ पर किचन है। उसके बाद हमने यहाँ पर गाइज एक छोटा सा कमरा था उसको तोड़ के पूरा बाथरूम को ही बड़ा कर दिया, तो बाथरूम हमारा काफी आलीशान बन चुका है जो कि काफी बढ़िया लग रहा है। आप लोग भी मुझे थोड़ा बता दिया करो कैसा लग रहा है, बाकी तो है ना। सबसे पहले मैं रोज भूल जाता हूँ, लाइक कर दो, मैं खुद ही तुम्हें बोलना भूल जाता हूँ, मैं तुम्हें क्या बोलूँ। तुम लोग सबसे पहले तो वीडियो को एक एक लाइक फटाफट दे दो अभी के अभी, और सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, ठीक है कर दो। ठीक है तो गाइज ये हमारा बाथरूम, मैं कहाँ फंस गया, ओके ठीक है, यहाँ से हम जाते हैं बाहर और ये बंद कर दिया। ठीक है तो यहाँ पर हमें कुछ कमेंट्स आए थे कि भाई मतलब टीवी के लिए भी बोला गया था कि भाई यहाँ पर टीवी होना चाहिए, और भी कुछ कुछ छोटे छोटे थे, मगर सबसे ज़्यादा जो मुझे बोला गया कि वो टेबल के बारे में था कि टेबल काफ़ी छोटा है, थोड़ा बड़ा टेबल होना चाहिए। तो आज का मैं इसी के साथ एक बेस्ट कमेंट भी आज का मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या है। तो गाइज हमें कमेंट आया है क्रेट बिंदास की तरफ से, उन्होंने कहा हेलो जेडी सर, आपके हाउस के अकॉर्डिंग आपका किचन बहुत छोटा है, बड़ा और लग्जरियस टाइप होना चाहिए। अगर आप किचन की सभी वॉल्स पे वाइट मार्बल और रेशेदार डिज़ाइन लगाओगे, लाइट्स डायमंड शाइन टाइप, और पूरे घर के कोने में छोटे छोटे लाइट्स बल्ब लगाओगे तो नाइस टाइम हो जाओ, नाइस आइडिया। वैसे किचन वाकई में छोटा है, मैंने ये चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था, अभी मैंने देखा, बहुत अच्छा आप लोगों ने ये चेक किया। ये बड़ा सही पॉइंट पिक किया आपने कि किचन बहुत छोटा है, तो इस पर अभी तो कुछ कर नहीं सकते, किचन बन चुका है क्योंकि किचन के लिए वहाँ पर कुछ जगह है नहीं हमारे पास। डाइनिंग टेबल के ऊपर मुझे और भी कमेंट्स आए, इन्होंने भी वही लिखा कि डाइनिंग टेबल अगर दो टेबल लगा के लंबा करो और बंगलो टाइप का कुछ तैयार हो जाए तो मतलब सच्ची ओके। इसके बाद इन्होंने बोला है कि इनको सोचने का टाइम चाहिए, 3-4 बाद वीडियो और देखेंगे, तो शायद ये लड़कियाँ, थैंक यू सो मच आपने इतना अच्छा कमेंट किया है, तो बिग शाउट आउट टू यू क्रेट बिंदास, थैंक यू सो मच। तो गाइस हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले तो इस टेबल को हम करेंगे बड़ा, बट अभी नहीं, अभी हम चलते हैं पहले अपना मेन काम करने। हमें ये वाले रूम को तैयार करना है, एक जिम बनाना है, जिम एरिया बनाना है। ये खुला रह जाता है भाई दरवाज़ा, पता नहीं कैसे, ठीक है दरवाज़ा नहीं विंडो है वैसे। तो गाइस हमें यहाँ पर करनी है एक बहुत ही बढ़िया सी जिम, आलीशान जिम, तो मेरे को पहले तो ये दरवाजे से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम इसको बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि इस तरफ बाथरूम आ गया है, और यहाँ पर हमें जितना कारपेट एरिया मिला है उसी हिसाब से हमें इसको करना पड़ेगा। तो मुझे किचन को कह रहा हूँ जिम को मुझे गाइस यहाँ पर छोटी जिम ही बनेगी, ज़्यादा बड़ी आलीशान जिम तो नहीं बन सकती, मगर छोटी सी जिम है। वैसे भी हम कितने, एक दो लोग रहेंगे यहाँ पर, तो यार एक दो लोग के लिए जिम तो बन ही जाएगा। हमें क्या क्या सामान चाहिए होता है जिम के लिए हमें पता ही है, ठीक है। बट मुझे उसके पहले एक इस जिम का एक पेंट का है मेरे को, तुम लोग बोलते हो कि मैं पेंट हर बार नया खरीदता हूँ ना, इस बार मैं नहीं खरीदूंगा, मैंने इसीलिए बड़ा खरीद लिया था। अब मुझे यहाँ पर करना है पेंट, ये कलर मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे थोड़ा वाइट ही चाहिए, मुझे अपने घर का पूरा वाइब वाइट है ना, तो मेरे को पूरा घर वाइट में ही चाहिए। मैं फटाफट से पूरी की पूरी वॉल्स को पेंट कर लेता हूँ पहले तो। ओके गाइस तो इसी के साथ हमने पूरा जो हमारा जिम का रूम है उसको हमने पेंट तो कर दिया। यार ये यहाँ पर नीचे वाले एरिया में मैं नहीं कर सकता क्या, मुझे चेक करने दो, कर सकते हैं आई थिंक, नहीं कर सकते, नहीं हो रहा है ओके। इस पर हम पेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम शायद पैनल वगैरह लगा देंगे इसके ऊपर, ठीक है। अभी बारी है हमारे फ्लोर की, तो फ्लोर तो मुझे यार यही सही लग रहा है क्योंकि ये हमारे पूरे घर के साथ कनेक्टेड भी है, और मतलब सही भी लग रहा है। और जिम को मैं चाहता हूँ कि जैसे ये वाली खिड़की है जो खुलती नहीं है, यहाँ पर भी अगर हम ऐसी ही कोई खिड़की लगा दें जो कि खुले ही ना तो सही रहेगा। बाकी ये लाइटें भी मुझे ठीक लग रही हैं, काफ़ी सही है, इस तरफ भी लगे हुए हैं ऐसे वाले बल्ब, हम लोग इस तरफ भी लगा देंगे वॉल पे, थोड़े से मोटिवेशन वाले थोड़े वॉलपेपर भी हम लगाएंगे। ओके उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं गाइज, मशीन एड्स करना, मशीन्स ऐड करना, तो हमें उसके लिए मशीन्स कहाँ मिलेंगी, कहाँ मिल सकती हैं जिम की मशीन्स, डेकोरेशन फर्नीचर यहाँ तो नहीं है, ओके कहीं पर तो होना चाहिए। एक्सेसरीज हॉबी के अंदर हुआ आई थिंक, हॉबी में सपोर्ट्स नहीं, ओके डंबल है यहाँ पर, हाँ यस यहाँ पर है, यहाँ पर अपने को मिल गई सारी। अपने एक बड़ी मशीन लगा देंगे जिसपे अपने को सारा का सारा ही एक्सरसाइज वगैरह हो जाया करे, जैसे कि एक ये वाली जो मशीन है आई थिंक ये ऑल इन वन है, इस पर सारी की सारी हम लोग एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं हम इसको बिल्कुल
मैं रख क्यों नहीं पा रहा हूँ इसको, ये ऊपर टच हो रही है क्या? मे बी, एक मिनट मेरे को पहले ये लाइट हटानी पड़ेगी। इसको हटा देते हैं, अपने यहाँ पर दूसरी लाइट लगा देंगे बाद में, बट मेरे को पहले यहाँ पर ये मशीन की पोजीशन सेट करनी है यार। यस, तो ठीक है यहाँ पर हमारी ये मशीन आ चुकी है, मैं इसको यूज़ करके नहीं दे सकता था। ओके नहीं ठीक है कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं वहाँ पर लाइट लगा देते हैं, मेरे को बहुत अंधेरा अंधेरा फील हो जा रहा है और अंधेरे में मुझे काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। हमें सीलिंग लैंप में जाना है। ओके वैसे तो वॉल लैंप्स भी लगा सकते हैं, हमें छत पे वाले लैंप्स लगाने की ज़रूरत है नहीं, पर ठीक है फिर भी लगा ही देते हैं। कौन सा वाला है जो लगा हुआ है अभी के लिए यहाँ पर? मे बी ये वाला है, यही वाला है, हाँ ये वाला ही है। काम करते हैं इसको ना, एक इस तरफ लगाते हैं, एक इस तरफ लगाते हैं और एक यहाँ पर लगा के इस वाले को इस तरफ कर देते हैं शिफ्ट थोड़ा। हाँ ठीक है, और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि एक टीवी लगा देते हैं, क्योंकि जिम करते करते साथ में कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए है ना, कुछ म्यूजिक वीडियोस चल रही हैं कुछ ऐसा है ना, तो अपने काम करते हैं यहाँ पर एक ना वॉल पे टीवी लगा देते हैं। एक टीवी देख लेते हैं बड़ा सा टीवी माउंटेबल, ये क्या आ गया? ओके टीवी में कौन कौन से टीवी हैं? ओके अपने को देख रहा है, कैबिनेट वगैरह तो नहीं, मेरे को बस वॉल के ऊपर ही लगाना है। हैंगिंग ये कौन से कितने इंच का है? ये वाला शायद बड़ा है तो थोड़ा बड़ा ही लगाएंगे, ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया यार, ये होम थिएटर वाला हो गया, इतना बड़ा नहीं चाहिए, छोटा ही टेबल मतलब होना चाहिए, ये टीवी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये वाला ठीक है। ओके इसमें इसमें हम साइज़ भी कर सकते हैं सेट, वैसे ये तो मुझे उतना ही बड़ा लग रहा है। ओह सॉरी ये नहीं, अपन इसमें अगर स्मॉल लगा के देखो, ओ ये स्मॉल था, ओ भाई ठीक है भाई गलती हो गई मेरे से। चल रहा है, चलो चल रहा है, इस पर यूट्यूब नहीं चलेगा क्या? यूट्यूब नहीं है, चलो ये लगा देते हैं ठीक है। ओके तो अभी हमें जिम के अंदर, और यार एक और चीज़ मैं ना इस वॉल पे वाइट कलर नहीं, इस पर हम थोड़ा और मैरून टाइप कुछ कलर करते हैं, क्योंकि पूरा फिर एक ही टाइप का हो जाएगा। तो वैसे तो पूरे जिम के अंदर भी मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम अलग कुछ कर लें, वैसे मुझे एक बात बताओ, पहले तुम लोग देख ही रहे हो वीडियोस मेरे इतने टाइम से, कुछ अलग चेंज लग रहा है इस माइक के अलावा? बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, वो ब्लू लाइट वो पर्पल लाइट, कुछ अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा मुझे बता दो खाली इतना ही, ठीक है? तो फिर देखते हैं अपन उसका क्या करना है, मुझे कमेंट में बताओ कि ये जो बैकग्राउंड में मैंने लाइटिंग सेट करी है ये ठीक है, इसको हटा दें या कुछ मैं और भी इसमें मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ, वॉल पे कुछ लगाने वाला हूँ, एक छोटा सा लैंप रखने वाला हूँ। जैसा हम देखो हम गेम में डेकोरेशन कर रहे हैं वो ठीक है, पर मेरे रूम में भी तो डेकोरेशन मुझे करनी चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ गेम में ही करता रहूँ, वो मेरी जो क्रिएटिविटी है जो मैं आप लोगों को पसंद आती है, बहुत अच्छी लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो, तो वो मुझे थोड़ा सा अपनी पर्सनल अपना जो गेमिंग रूम है उसमें भी करना चाहिए है ना, क्या बोलते हो? मुझे बताओ, मुझे सजेशंस दो कि मैं अपने रूम में जो मेरा गेमिंग रूम है जितना आपको दिखता है बैकग्राउंड मेरे फेस कैम के साथ, उस पे अपने को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है? डन। तो पेंट में अपने को यहाँ पर मेहरून कलर में सोच रहा था करने का, नॉट पिंक नॉट दिस वन नॉट रेड, यस ये वाला कलर, ये बहुत सही कलर है, ये मेरे को ना इसी कलर से मुझे याद आया कि मैंने बैकग्राउंड में भी तो इसी टाइप की लाइट लगाई हुई है, पूरे घर की वाइब चेंज हो जाएगी भाई, पूरे घर की नहीं सारी सिर्फ जिम की, ठीक है। ऑल लाइट देख रहे हो क्या फर्क पड़ गया एक ही वॉल करने से? इस तरफ तो वैसे भी नहीं ठीक है, उस तरफ कुछ करने की जरूरत है नहीं, अब अपन ये वाले पेंट को नहीं मैं बेचूंगा नहीं, मैं इसको साइड में रखूंगा, क्या पता फिर से ज़रूरत पड़ जाए, क्या पता मुझे पूरा जिम ही ये कलर करना पड़ जाए, मगर मैं करूंगा नहीं अलग बात है। हाँ तो अभी अपने को पहले यहाँ पर एक ना मैट लगाने हैं। ओके आई गॉट इट, अपने को वो फ्लोर में मिलेगा, फ्लोर एंड सीलिंग कवरिंग्स, यस ये रही कवरिंग्स। तो यहाँ पर अपन को कुछ बढ़िया सा तो फिलहाल नहीं मिल रहा है, मेरे को एक ये ठीक लग रहा है, ये वाली अगर अपन लगाएंगे तो कैसा लगता है एक बार लगा के देखते हैं। ऑल राइट, ओ झाड़ू आदमी क्यों आ जाता है बार बार, हाँ ये ठीक है, ये सही लग रहा है, क्योंकि ना ये स्लिपरी नहीं है एक तो, और जिम में कुछ भी हम डंबल वगैरह ऐसे रखते हैं ना तो उसका कुछ नुकसान नहीं होता, ठीक है वो तो जोड़ी क्या है ठीक है। और यहाँ पर अपने को एक दरवाज़ा भी लगाना है यार इसके लिए, जिम के लिए ना, तो मैं देख रहा हूँ जिम के लिए कुछ अलग सा डोर होना चाहिए ना, नॉर्मल डोर नहीं,
कुछ अलग डोर जिम का, स्लाइडिंग मे बी एक स्लाइडिंग डोर, स्लाइडिंग डोर कहाँ पर मिल सकता है, हाँ ये रहे, हम जिम के लिए स्लाइडिंग डोर लगा सकते हैं या फिर एक ऐसा वाला जो थोड़ा ऑटोमेटिक सा टाइप हो। ये हमने कहीं तो लगाया था लास्ट टाइम जब मैंने करा था, मेरे को याद नहीं आ रहा, अगर किसी को याद है तो मुझे बताओ कि ये वाला जो दरवाज़ा था कहाँ गया, ये वाला हमने कहाँ लगाया था, ये डोर हमने कहीं तो यूज़ किया था कहीं पर, तो मुझे याद नहीं आ रहा, किसी को याद है तो मुझे बताओ ये हमने कहाँ पर यूज़ किया था। ओके तो ये वाले में अगर हम इसकी जोड़ी तो ब्लैक ही रखते हैं, इसको भी ब्लैक ही रखते हैं, सिर्फ इसको वाइट करना है अपने को, ये लग जाना चाहिए यहाँ पर, बस लग नहीं रहा है, क्यों नहीं लग रहा वैसे, लगना चाहिए यार। ओके मे बी अंदर से लगेगा, ये बाहर से तो नहीं लग रहा, एरर क्या, हाँ ऐसे तो कैसे नहीं लग रहा, परफेक्ट परफेक्ट हो गया जी एकदम काम। यहाँ पर अंधेरा क्यों है भाई, ये एक लाइट, अच्छा ये तो अपने टेम्परेरी लगाई थी, ठीक है ये एरिया को भी हम कर ही लेंगे वैसे। यार मैं इसको बार बार बेचने के लिए क्यों निकाल लेता हूँ, मेरे को यहाँ पर पहले लाइट लगाने दो, यहाँ पर मुझे बहुत अंधेरा फील हो रहा है और अंधेरे में मुझे डर लगता है भाई, पता नहीं डर लगता है या फिर मज़ा नहीं आता है, कुछ तो है। ओके तो हम यहाँ पर कुछ अलग सी लाइट लगाते हैं, ओके ये कुछ अलग लाइट लैंप है ना, इसको लगा के देखें यहाँ पर, अगर हम इसके ही ये लगा देते हैं, ये वाली बंद हो गई, एक यहाँ पर लगा देते हैं, स्विच कहाँ है इसके, और इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है हाँ बढ़िया, नाइस सही लग रहा है, परफेक्ट। अब चलते हैं हमारे जिम के अंदर, ओके ये हमारा जिम है, यहाँ पर जिम के अंदर भी हमें थोड़े थोड़े पोस्टर लगाने पड़ेंगे, जैसे ये तो टीवी है, जिम के अंदर और क्या होता है, एक ट्रेडमिल लगा सकते हैं, इस तरफ शायद ट्रेडमिल आ जाएगा, यहाँ पर हम एक ट्रेडमिल रख सकते हैं, ट्रेडमिल करते करते टीवी देख लिया ना, यहाँ पर मैं देखता हूँ ट्रेडमिल अगर लगा सकते हैं तो अपने एक्सेसरीज से जाते हैं, हॉबीज ओके ये रहा हॉबीज, एंड यहाँ पर हमें डंबल्स वगैरह चाहिए, यस एक डंबल चाहिए, हाँ ये वाला टेबल भी चाहिए, ये रहा ट्रेडमिल, कितना बड़ा है साइज़ में वो देखना पड़ेगा अपने को बस। ओके ट्रेडमिल को हम यहाँ पर बिल्कुल साइड में लगा देते हैं, हाँ यहाँ पर ट्रेडमिल करते करते टीवी देख लिया, गाने वाने सुन लिए है ना, ओके परफेक्ट। अब यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ एक जो साइकिल वाला होता है साइकिलिंग के लिए ना, एक ये भी लगा देते हैं, इसको भी इस तरफ ही मुँह रखेंगे क्योंकि सामने की तरफ थोड़ा टीवी वगैरह देखते हुए एक्सरसाइज कर लिया ना। अब यहाँ पर थोड़ी जगह बची है, यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ एक टेबल लगा देते हैं, रुको इस पर हमें क्या क्या एक्सरसाइज है, ये वाली लटकने के लिए है और ये ओके ये वाली एब्स के लिए, ये वाली एक्सरसाइज ये नहीं समझ आ रहा, ये तो चेस्ट के लिए है और ये वाली बॉक्सिंग के लिए है, ठीक है तो हमें बेसिकली चेस्ट लगाने के लिए भी एक एक्सरसाइज चाहिए थोड़ी चेस्ट का वर्कआउट के लिए, उसके लिए कुछ है नहीं तो हमें एक टेबल और थोड़े से डंबल वगैरह बाय करने पड़ेंगे, तो ना हम इसके लिए थोड़ी यहाँ पर जगह है, इस साइड पे जगह है तो इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो इस पर एक तो एब्स हो जाएंगे, नहीं यार ये वो चीज़ नहीं है, बट इस पर हम बाइसेप क्यों बोल रहा हूँ मैं, चेस्ट के वर्कआउट कर सकते हैं, प्रॉपर टेबल होना चाहिए था यार, प्रॉपर टेबल नहीं है उसके लिए, उसके लिए एक प्रॉपर टेबल ही होना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम थोड़े से डंबल ऑर्डर कर लेते हैं, ये वाला रहा ठीक लग रहा है, और डंबल्स हम रख देते हैं यहाँ पर रख देते हैं, काफ़ी सारे डंबल ले लेते हैं, ये चार हो गए ना तो वो छः रख देते हैं, चलो यहाँ पर छः डंबल हो गए हमारे। ओके उसके अलावा क्या बचाएगा इसे हमारे पास, हाँ योगा वाला एक था यार, ओके ये क्या है, ये हैट वाला यहाँ पर क्यों है, ओके सॉरी ये हॉबीज़ है, हॉबीज़ में है, ठीक है। एक्यूस्टिक पैनल्स हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, बुक्स वगैरह हैं बाकी तो ओके,
गिटार भी नहीं चाहिए। ओके ये पोस्टर्स हैं या फिर बुक्स हैं? ये तो बुक्स हैं, ये सब बुक्स तो हमें यहाँ पर नहीं चाहिए यार। ये भी नहीं चाहिए यहाँ से भी। वैसे हमारे पास थोड़ी सी जगह बच गई थी यार। ओके ये वाला क्या है? ये बेंच हमने लगा दिए शायद। हाँ वो बेंच तो हमने लगा दी ऑलरेडी। ओके ये रही फिटिंग जिम। हाँ इसमें कलर्स भी होंगे आई थिंक। यस ये थोड़ी बड़े साइज़ की लेते हैं, इसको हम मैच करते हैं अपने। ये मैच नहीं हो रहा ना, पर ठीक है। ओके इसको हम, ये बड़ी होगी थोड़ी ज़्यादा, छोटा स्मॉल साइज़ में लेते हैं। एंड ये कलर कौन सा है? ओके ये हमारे उसके साथ मैच हो रहा है? नहीं ये भी नहीं हो रहा। रेड ट्राई करते हैं एक बार, शायद रेड अच्छा लगेगा। स्मॉल में रेड कलर थोड़ा बहुत हो रहा है और हमारे इसके साथ भी मैच हो रहा है। ठीक है तो हम एक ये बॉल यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है ये हमारे योगा वगैरह करने के लिए। और गाइज इसी के साथ हमारी जिम ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। हम हमें जिम की थोड़ी वो डेकोरेशन करनी है। हमारे जो बेसिक सामान था वो सब रख दिया है, अब ना हमें बस ये वाले सब की ज़रूरत नहीं है। ओके ये क्या है? बुक सेट है। बुक सेट नहीं चाहिए भाई, सीडी वगैरह नहीं चाहिए। हाँ ये वाली एक खेलने वाली चीज़ है, बॉल वॉल, इसको हम रख सकते हैं इस तरफ। रग्बी वाली बॉल है क्या? एक ये, हाँ ये सही चीज़ है। इसको हम यहाँ पर तो टीवी पे लग जाएगा, यहाँ पर लगाते हैं इसको। दरवाज़ा खुल गया तो कहाँ तक आता है? यहाँ तक आता है ना, तो हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ तक आता है थोड़ा और लेफ्ट कर सकते हैं इसको, यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है अब हमें लगानी है गाइज थोड़ी बहुत डेकोरेशन, और डेकोरेशन में हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। ओके ये हम इसके ऊपर लगा देते हैं, थोड़े से लगा के छोड़ देते हैं ऐसे। अच्छा लगे हुए हैं क्या ऑलरेडी? ओ भाई जो वॉल पे लग रहा है उस पर नहीं लग रहा है, इसको भेज देते हैं छोड़ो। गलत चीज़ ना बिक जाना। ठीक है परफेक्ट, ये हो चुका है। ओके स्पोर्ट्स, अच्छा हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स नहीं सिलेक्ट किया था इसके लिए। मैं भी सोचूँ ये क्या क्या आ रहा है। तो जिम को हम ज़्यादा नहीं भरते हैं, जिम में वैसे जगह बहुत ही थोड़ी सी ओपन जगह रहनी चाहिए, थोड़ी सी खुली है ना तो अच्छा लगता है जिम। अब हमें यहाँ पर बस एक स्पीकर का इंतजाम करना। मैं सोच रहा हूँ दोनों कोनों में ये और ये और ये, और चारों में तो ज़्यादा हो जाएगा। स्पीकर्स देखते हैं कौन कौन से, स्पीकर्स लगा देते हैं जिम के अंदर। गाइज एक्सरसाइज करते हुए अगर स्पीकर्स नहीं हो ना तो फिर मज़ा नहीं आता है। जैसे तो ये वाले स्पीकर हैं, दो स्पीकर तो या तो वो बड़े वाले लगा सकते हैं हम। आई थिंक ये वाले ठीक है, ये दो लगा देते हैं दोनों साइड। इसको एक इस तरफ लगा देते हैं। ये लगेगा नहीं क्या यहाँ पर? लगेगा क्या? ओके बढ़िया, तो इतना तो बहुत है हमारे जिम में, इतना म्यूजिक तो वगैरह सही है। अब हमें गाइस थोड़ा बहुत पोस्टर्स वगैरह देखने हैं, पोस्टर्स एंड उसके अलावा क्या देखना था? पोस्टर्स देख लेते हैं पहले तो। पोस्टर्स, हाँ समवन एट माई हाउ यू डूइंग, ये बढ़िया लग रहा है मेरे को। हाउ यू डूइंग का स्मॉल में यार छोटा रहे प्लीज़ यार। ये स्मॉल व्हाट इज दिस यार, क्या प्रॉब्लम क्या इनके साथ? ये स्मॉल है क्या? ये एक्सरसाइज करते हुए ना सही लगेगा ना। हाउ यू डूइंग, ग्रेट पिक्चर, थैंक यू। ओके चलो ये हो चुका है। अब थोड़े फ्रेम वाले भी फोटोज हम लगा सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। ओ ये क्या है? ठीक है फर्नीचर में तो फर्नीचर का तो हम यहाँ पर क्या ही रखेंगे, फर्नीचर तो नहीं सही लगेगा। ठीक है हम चलते हैं फिर भी डेकोरेशन में। मिरर, अरे हाँ मिरर रख सकते हैं हम लोग, एक स्टैंडिंग मिरर। नहीं हम लोग ना एक दूसरा वाला मिरर लगाते हैं। मेरे को ध्यान में आ गया, हमने जो आई थिंक बोट पर एक मिरर का ये किया था। ओके ये वाला क्लॉक सही है काफ़ी। हम एक क्लॉक ना यार, ये बहुत बड़ा क्लॉक है भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्लॉक है, बट ठीक है थोड़ा स्मॉल रहता ना मज़ा आता, वो बात नहीं। चलो मैं क्या बोल रहा था यार, फिर भूल गया। ऑल राइट हाँ ये वाले कुछ पोस्टर्स है ना, ये फ्रेम वाले, ये भी स्मॉल में रहे तो अच्छा है यार। हाँ ये ठीक है,
ये ठीक है, साइज बिल्कुल परफेक्ट है ये वाला। ये कहाँ लगा सकता हूँ वैसे मैं, एक तो इस वॉल पे एंड एक कोई दूसरा सेम सिमिलर साइज का इस वॉल पे, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ना, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं इसको। ये वॉल ऐसे ठीक है, ठीक है। एक ना वो यार वो डेकोरेशन में थे, वो कहाँ गए? ये रहे, ये वाला सही लगता है ये काफ़ी। नहीं देखो ये वाला लगाते हैं, एक इस साइड और एक भाई लगा कि नहीं। आई थिंक लग चुके हैं दोनों, ऊपर नीचे हो गया। ये वाला थोड़ा ऊपर कर देते हैं बस थोड़ा। ओके, तो ये भी हो चुका है। हमारे रूम में लाइट वगैरह लग चुकी है, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा शायद, थोड़ा ज़्यादा नीचे लग गया इतना। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? आई थिंक और तो कुछ ज़्यादा मेजर तो हम चेंजेस नहीं कर सकते यार किचन, सॉरी हमारे इसके अंदर, हमारा जिम एरिया के अंदर। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ कुछ कुछ हम मिस ना कर रहे हो जिम के अंदर, है ना। ओके, एक बार दोबारा से चेक करते हैं। ट्रेडमिल है, टीवी है, क्लॉक है, क्लॉक वाला कि बहुत बड़ा है, ये वाली मशीन है साइकिलिंग वाली के लिए है, ट्रेडमिल और ये वाला टेबल है, बॉल है। जिम में टीवी वगैरह हमने लगा दिया, लाइटिंग वगैरह कर दी है, वहाँ पर थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी कर दी है, ये भी लगा दिए हैं। तो मेरे ख्याल से और तो हमें यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार अब मुझे यहाँ से जाने दो। यहाँ पर हमने पेंट कर दिया था, और यहाँ पर ना मुझे हालांकि ये पोस्टर्स चेंज करने का मन था, पर ये वाला चेंज कर देते हैं, ये वाला उतना सही नहीं लग रहा। यहाँ पर कुछ और पोस्टर लगना चाहिए, कुछ और पोस्टर देखते हैं। यहाँ पर कुछ बड़ा पोस्टर लग जाएगा तो भी चलेगा। कुछ यार कुछ बढ़िया पोस्टर दिखा दो। ये कैसे पोस्टर्स दिखा रहे हैं? पेंटिंग पेंटिंग दिखा दो कुछ। यार ये कुछ ये वाली पेंटिंग मुझे कभी समझ नहीं आई, ये क्या है क्या मतलब। अरे हाँ यार ये वाले सही लग जाते वहाँ पर लगाते तो अपन, ठीक है कोई बात नहीं। ये वाला, ये नहीं, ओके ये वाला मीडियम साइज, हाँ एक बड़ा हो गया और एक छोटा, डन। इधर वैसे भी एक बड़ी फोटो लगी हुई है, ठीक है। ये वाला रास्ता कहाँ जाता है? ये तो हमारा मेन रास्ता है। ओके, यहाँ पर कीज़ वगैरह टांगने के लिए। ओके, ये डेकोरेशन, अरे यार ऊपर का एरिया पे अपना पेंडिंग है, वो बाद में जाएंगे ऊपर हम। ओके, तो हमने यहाँ पर ट्राई किया था बाय द वे पर्दे लगाने की, तो यहाँ पर पर्दे नहीं लगा सके। ये वाला एरिया हमारा ओपन ही रहेगा, और किचन को हम बड़ा नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है किचन बड़ा करने का। और ये वाला एरिया हमारे पास बचा हुआ है। यस, मेरी वाइट पेंट कहाँ है? मेरा वाइट पेंट कहाँ है? वेयर इज़ माई वाइट पेंट? कहाँ गया? अबे कहाँ गया? भेज दिया मैंने फिर से, इसके अंदर है क्या? नहीं, बाथरूम में भी नहीं है। वाइट पेंट कहाँ गया मेरा भाई? मुझे दोबारा बाय नहीं करना, वो इधर ही रखा होगा शायद कहीं। यार यहीं क्यों रख के गया था? ये तो मैंने बोला था मेरे को कहीं तो काम में आएगा, वो मैंने कहाँ रख दिया भाई, कहीं नहीं नज़र आ रहा है। ओके ठीक है, दोबारा बाय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था, इस पे तो हमने यहाँ तक कर दिया था, ये वाली वॉल को ऐसे रखना। हमें यहाँ पर कुछ करना था, तो मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि छोटा सा ऑफिस, स्टडी, लाइब्रेरी, म्यूजिक एरिया, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं, जो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई एक म्यूजिक रूम या फिर कुछ ऐसा बना दो। ये देखो देखो वॉल कितना बढ़िया लग रहा है। और उससे पहले मुझे यहाँ पर इस वॉल को, मैं सोच रहा हूँ अगर हम इसकी तरह इस वाली वॉल को भी ब्लैक कर दें तो कितना बढ़िया लुक आएगा यार, क्या बोलते हो? इस वॉल को ये वाला सेम कलर कर दें क्या? मेरे को लग रहा है ये काफ़ी सही लगेगा। इस वॉल और इस वॉल को हम फिर इसको नहीं कर सकते, इसको वाइट ही करना पड़ेगा अपने को, ये पूरा एरिया और इस वॉल को वाइट करके इसको सिर्फ ब्लैक करके देखते हैं क्या फील आता है। और एक अपने को वाइट पेंट ऑर्डर करना है, तो हम चलते हैं वॉल्स के अंदर, पेंट के अंदर। वाइट सर, वाइट कलर दिखा दीजिए।
कहाँ है वाइट, यस लार्ज ही दे दीजिए, फिर बार बार ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा। एंड एक ब्लैक कलर, प्रॉपर ब्लैक, पीच ब्लैक, पीच ब्लैक कोई कलर होता है क्या पीच ब्लैक, पता नहीं। ओके ये नहीं है, और ये रहा, मीडियम में हो जाएगा हमारा काम तो। वैसे तो स्मॉल में भी हो जाता, पर आजकल मैं रिस्क नहीं लेता, मुझे दो दो बार ऑर्डर करके मेरा नुकसान हो जाता है। ओके ऐसे कोई पागल ही होगा जो, मैं खुद को नहीं बोल रहा, बट हाँ नहीं करते हैं मोस्टली ब्लैक कलर, कोई नहीं करता है घर पे आजकल, पर मैं कर रहा हूँ पता नहीं क्यों। ठीक है, उस वॉल से इसकी वाइब मैच होगी ना भाई, वैसे भी ठीक है, सही लग रहा है वैसे ये वाला जो हमने किया ना, ये काफ़ी सही लग रहा है। हाँ तो अभी हम एक काम करते हैं, अब हम लेते हैं वाइट इस पे और इस पे, वाइट है ओके, ये वाइट है, ये वाइट नहीं है, हमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि एक भी अगर हमने यहाँ पर नीचे वाले पे कर दिया ना तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। नीचे वाले अपने को करना ही नहीं है, वो जैसा है उसको वैसे रहने देना है। और अगर हम ये वाले, एक मिनट ये पूरा ही होगा, नहीं रहने दो भाई, उसको वैसे रहने दो जैसा है। पता नहीं कौन सा भाई, मैंने कितना ढूंढा ये कलर मुझे मिला ही नहीं, वो नहीं। ओके और इसी के साथ हमारा डन, फिर ऊपर भी करना है, वो ऊपर जब जाएंगे ऊपर जाके कर देंगे, अभी हम नीचे वाले पे फोकस करते हैं। चलो अभी ये दोनों पेंट इधर रख देते हैं, पेंट्स की ज़रूरत नहीं है हमें अभी, डन। चलो अब ना, मैं सोच रहा था वैसे तो बाय द वे यहाँ पर थोड़ा ओपन रखने की बजाय हम, यार ये कैसे रह गया यहाँ पर, ये कैसे रह गया भाई। ठीक है चलो कोई बात नहीं, इस पे हमने ये लगाया था, मैं सोच रहा हूँ इस पे भी अगर वाइट पेंट कर दें तो, नहीं रहने दो वो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ऐसे रखते हैं। यहाँ पर पता नहीं क्यों मेरा एक मन कर रहा है मैं वॉल बना दूँ, यहाँ पर अगर हम करते हैं तो यार ये वाली छत आ जाएगी और हम यहाँ पर वॉल खड़ी कर ही नहीं पाएंगे। मैं देखता हूँ एक बार, ट्राई करके देखते हैं, वॉल खड़ी करने का ऑप्शन है तो वो कहाँ तक जाती है वॉल, यहाँ तक जाती है। ओके हम यहाँ से, सॉरी हम यहाँ से एक वॉल खड़ी करके ऐसे 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 ला के यहाँ तक ला सकते हैं, वॉल खड़ी करके देखने लो। उसको हम कर तो सकते हैं, फिर उसको हम ना ये पिलर से भी मैच कर देंगे, ऐसे करके देखने एक बार फिर, और क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ना पड़ जाएगा, तोड़ देंगे एक बार पूरी वॉल लगा के देखते हैं कि हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो भी रहा है या नहीं। मैं चाह रहा हूँ ऐसे ये वाला एरिया कवर रहे, अब अंदर जाके देखते हैं। ओह यार इसकी छत कैसे कवर करेंगे, ये छत कवर नहीं होगी इसकी, मैं ये इसको तोड़ भी दूंगा और इसके साथ ये वाली वॉल्स दोनों मैच हो जाएंगी, पर फिर भी ना वो अलग सा ही दिखेगा, वो सही नहीं लगेगा, उससे बेटर तो ये ऐसे ही लग रहा है फिर। नहीं करना चाहिए अपने को, इसको तोड़ देते हैं, नहीं प्लान कैंसिल, वर्क नहीं किया जो करना चाह रहे थे भाई, गलती से कोई और दीवार मत टूट जाना, तुम ही टूटना। ओके इतना कचरा कर दिया, अब इसको साफ भी करना पड़ेगा, टूट गया, डन। ऑल राइट चलो भाई, कचरा भी साफ हो गया, ये भी हो गया। अब हम करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कलाकारी, अपने को यहाँ पर बनाना है एक म्यूजिक रूम। एंड यार मैं बेचने पता नहीं क्यों निकल जाता हूँ इन चीज़ों को यार, ठीक है। ये लाइट वैसे ऑन है क्या, ऑन है क्या, इसके स्विच कहाँ है, ऑन तो है यार, इतनी कम लाइट क्यों है फिर यार। एक्चुअली इसमें यहाँ पर वो पर्दे वाला ऑप्शन होता ना, मैं यहाँ पर पर्दे लगाता हूँ, कितना सुंदर लगता ना यार वो, मैं बता नहीं सकता तुम लोगों को।
जैसे एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, इधर से भी आने के लिए दरवाजा रखा है, इधर से भी आने के लिए, साला इसको बंद ही कर देते पूरा, है ना, कर दें क्या अभी भी इसको पूरा बंद करके ये दरवाजे रहने देते हैं यहाँ पे। इधर से जाओ जिसको जाना है भाई, क्यों इधर से आना है, इसको बेचो यार, मुझे बेचो इसको, दीवार खड़ी करनी है मुझे यहाँ, ये खड़ी नहीं होगी, बोलेगा तोड़ो, तोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को यहाँ पर ये दरवाजा चाहिए ही नहीं। चलो ये दरवाजा मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, दोनों पेंट मेरे पास पड़े हैं, मैं दोनों तरफ पेंट कर दूंगा दोबारा से। आजा भाई इस तरफ ये वाला पेंट और इस तरफ वाइट पेंट। पता नहीं क्यों इतने दरवाजे बना के रखे थे। अरे यार मकर गड़बड़ हो गई, अब ये जगह खुली खुली हो गई, इसका क्या किया जाएगा, यहाँ पर खाली जगह बन गई जो। ओके इसको बाद में देखते हैं, करेंगे उसका भी कुछ करेंगे, ठीक है। अब इतना ऐसा तो नहीं है कि हर जगह दरवाजे, जहाँ जाओ दरवाजे ही दरवाजे। अब हालांकि मुझे ये दरवाजा भी खटक रहा है, पर ये वाला ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो चल जाएगा। हाँ अब ठीक है ये वाला, हालांकि हम इसको तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ देते हैं ना ये पिलर को, क्या काम है इसका, ये तो ऐम ही खड़ा बीच में, इसका कोई काम है ही नहीं यहाँ पर, तोड़ो इसको, ओह सॉरी इसको तोड़ो सारे, टूट गया हो नहीं, ऊपर का नहीं टूटेगा ना। ओके ओके चलो गया, अब थोड़ा खुला हो ना यहाँ से, अब मुझे उसके ऊपर लगानी है एक वॉल छोटी वाली, एंड इसके ऊपर करना है पेंट, ओप्स। कोई बात नहीं व्हाइट पेंट कर देते हैं, नो इशू, पूरे घर में व्हाइट भी करना पड़ जाएगा मेरे को, मैं कर दूंगा, मेरे को व्हाइट कलर ही जमता है, ये कलर पता नहीं कौन सा है, येलो टाइप सा है साला, वो तो जबरदस्ती का पेंट लगा रखा था यार, उसकी जरूरत थी नहीं वहां पर। ये डन हो गया, ओके चलो जी अब बनी ना कुछ बात। अब होया ना थोड़ा सा खुला एकदम, ऐवें जबरदस्ती के पिलर बना रखे थे बीच में यार, कोई जरूरत थी नहीं वहां पर, ठीक है गाइस। हाँ अब थोड़ा ऐसा फीलिंग आ रहा है, इनको साइड करो, ये मेरे से ना बेचे जाएंगे यार ये, इनको साइड में रखो वहाँ पे, तुम भी जाओ वहाँ पे, यहाँ पे जाओ। हालांकि यहाँ पर इसके लिए मेरे पास एक डेकोरेशन का वो है, ओपन करते हैं डेकोरेशन, रुको यहाँ से मैंने एक सोचा था बट वो अभी मेरे को मिल जाए यार, डेकोरेशन में पड़ा था वो, फायर प्लेस मिरर कुछ तो था, स्टैंडिंग डेकोरेशन, यस छोटा सा ना ये वाला, इसका साइज क्या है, स्मॉल में चाहिए वाइट में चाहिए, इसको ऐसा रख के एंड इसके ऊपर मस्त लग रहा है ना, बढ़िया फील आ रहा है ना, मैं क्या पूरा ब्रेक कर दिया। अब इसके ऊपर ना अपने को एक ग्रीन कलर का वो रखना है, पेट, व्हाट, ओह पेट हाउस का चीजें ऐड कर दी भाई, नाइस, टॉयज वगैरह एक्टिविटी वगैरह, ओके मेरे को तो फिलहाल डेकोरेशन एंड प्लांट्स एंड स्मॉल प्लांट्स एंड कुछ ग्रीन दे दो भाई, ग्रीन है ठीक है, मेरे को बस उसके साथ मैच करना है इसको, हो डन हो गया। अब मुझे ये अब तुम यार कहीं जाओ यार, तुम कहीं जाके मर जाओ, सड़ जाओ,
जाओ अंदर, जाओ बंद करो दरवाजा। हाँ मुझे थोड़ा वाइब चेक करने दे करो यार, ठीक है। अगर उसी कलर का पेंट या पॉट मिल जाए ना इसमें, है ना। ओहो नाइस, इसको रखना है, इसको बेचना है, इसको इसके सेंटर में रख देते हैं, बढ़िया। अब हुआ ना थोड़ा सा, वेल डन, नाइस। चलो तो अब गाइस हो चुका है हमारा काम काफ़ी हद तक। अब हमने ये एरिया खाली कर दिया, यहाँ पर पेंट कर दिया, यहाँ पर बढ़िया। यहाँ पर हम कर देंगे लाइब्रेरी और म्यूज़िक का पूरा हल्का सा, मतलब एक टच रख देंगे जिसमें एक मैं मैजिक वाला जो इंस्ट्रूमेंट, मैजिक क्यों बोल रहा हूँ, म्यूज़िक वाला इंस्ट्रूमेंट रख देंगे। वॉल पे गिटार्स लगा देंगे, एक साइड पे हम लोग लाइब्रेरी, एक छोटा सा टेबल एंड बुक्स वगैरह रख देंगे, तो एक लैंप रख देंगे, काफ़ी बढ़िया क्लासी लुक आ जाएगा। तो ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समराइज करते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, तुम लोग भी बोर हो जाते हो कि लंबा वीडियो देखे। तो मेक श्योर सब लोग पहले तो लाइक कर दो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत लोग नहीं करते हैं सब्सक्राइब, फटाफट सब्सक्राइब वाला बटन बिल्कुल नीचे, येलो कलर का बोल रहा हूँ, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, तो सब्सक्राइब भी कर दो, बिल्कुल फ्री है, मेरे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तभी आएंगे अगर आप सब्सक्राइब करोगे। तो बाकी कमेंट कर दो गाइस, जो भी बेस्ट कमेंट रहता है हम हर वीडियो में पिक करते हैं, शाउटआउट देते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।